सभी सदस्यों का, एसोसिएशन के सदस्यों का, प्रेसिडेंट महोदय श्री अरुण कुमार जी का और डॉक्टर शिव गौतम का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लर्न थिंग्स विच आर बोथ बाय वे ऑफ इंक्रीजिंग आर नॉलेज एंड एंजॉयमेंट एंड ऑल्सो ऑफ ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी। पहले जिज्ञासा के कई लेक्चर्स होते रहे अरुण कुमार साहब और प्रोफेसर मोनोत के अध्यक्षता में, और उसके बाद एसोसिएशन ने कोशिश की कि वो उस परंपरा को जारी रखें। और हम लोगों का प्रयास ये कि तीन तरह के, या उसको दो तरह के लेक्चर्स करें। एक तो ये जिनकी जिनकी की डायरेक्ट कोई यूटिलिटी है, जैसे पहले इनकम टैक्स फाइलिंग या फाइनेंशियल लिटरेसी पर भी कुछ टॉक्स हुई। कुछ ऐसी टॉक्स हैं जो कि हमारे वेलबींग को बढ़ाती हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स की। जैसे पहले डॉक्टर पनगड़िया का एक लेक्चर हुआ था, अभी कुंबट साहब का मेडिटेशन के संबंध में एक लेक्चर हुआ था, और अब ये उसी उसी सीरीज में डॉक्टर शिव गौतम का लेक्चर है। और उसके अलावा नॉलेज एक्सपेंशन के लिए या हमारी क्यूरियोसिटी को एड्रेस करने के लिए भी लेक्चर्स होते रहते हैं। आगे क्लाइमेट चेंज इत्यादि पर हमारे कुछ लेक्चर्स हैं। तो हम लोग सब ये मानते हैं कि हम सब बहुत संतुष्ट हैं इस उम्र में, हमारी आय ठीक है, कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं है, ईश्वर की कृपा से हम सबकी हेल्थ भी ठीक ठाक है, मेडिकल कवर भी CGHS का है, और कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है परिवार में। अब सारे एस्पिरेशंस, मटेरियल एस्पिरेशंस फुलफिल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें कई चैलेंजेस का आगे भी सामना करना है। इसकी अवेयरनेस रहनी जरूरी है। मेनी ऑफ अस विल हैव टू फेस सॉलिट्यूड, वी विल हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम आर ओन स्पाउस विद हुम वी हैव लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी मे बी अफेक्टेड फिजिकली एंड मे बिकम समवॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, एंड देर आर कंसर्न्स अबाउट चिल्ड्रन, ऑल्दो दे हैव लेफ्ट अस बट वी कंटिन्यू टू हैव सम कंसर्न्स अबाउट देम। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड ऑल ऑफ अस हैड ग्रेट डील ऑफ एंग्जाइटी अबाउट आर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अबाउट इवन समथिंग एज बेसिक एज वेदर वी विल गेट हॉस्पिटल एडमिशन और केयर। सो देर आर चैलेंजेस इन लाइफ एंड हाउ वी कैन कोप विद दोज चैलेंजेस, लिव विद ग्रेट डील ऑफ काम एंड हैप्पीनेस, दिस इज आर एक्सपेक्टेशन इन टूडेज टॉक, एंड देर कुड नॉट बी एनीबडी मोर क्वालिफाइड टू टॉक टू अस ऑन दोज इशूज देन आर गेस्ट स्पीकर टूडे। बट आई रिक्वेस्ट आर प्रेजिडेंट अरुण कुमार साहब टू काइंडली इंट्रोड्यूस डॉक्टर शिव गौतम एंड टॉक अबाउट हिज मेनी अचीवमेंट्स एंड क्वालिफिकेशन सर। Thank you, Naren. Friends, we have today with us an eminent psychiatrist and a social worker, Dr. Shiv Gautam. I have great pleasure in welcoming him to Jigyasa, a forum of our association. Dr. Gautam is well known to all of us. He was professor and head of psychiatry department in the SMS Medical College. He was also additional principal of the college. He has also been senior professor and head of department of psychiatry, NIMS Medical College, Jaipur. Dr. Gautam was member of the Medical Council of India from 1998 to 2003 and was president of the Indian Association for Geriatric Mental Health from 2011 to 2013. Dr. Gautam has numerous publications in national and international journals to his credit. He has authored and edited more than 11 books, one on health care of elderly. Dr. Gautam is a fellow of the National Academy of Medical Sciences, has received several awards for his achievements,
to mention just a few. The International New Horizon Award for Drug Awareness in 1992 and Lifetime Achievement Award by Bombay Psychiatric Society 2019. Dr. Gautam has been felicitated. Yeah, as I told you, he has been involved in social work also. So he has been felicitated by the Jaipur Samaro Samiti for excellence in health services. He has received Shekhawati Gaurav Award and the Rajasthan Gaurav Award. Dr. Gautam also got the prestigious DLN Murthy Rao Oration Award of Indian Psychiatric Society for 2010. Presently, Dr. Gautam is Director Professor, Gautam Institute of Behavioral Sciences and Alternative Medicine. His advisor, CCPD, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. He is member of the Advisory Board on Health, National Human Rights Commission, New Delhi. He is also advisor to the Rajasthan State Human Rights Commission. Dr. Gautam is President, Mental Health Foundation, Jaipur. और कुछ important और सब रह गया आपको मार्क कीजिएगा क्या मुझे आज आप बहुत ही important subject पे जो हमारे लिए सबके लिए बहुत relevant है उस पर हम आपको सुनना चाहते हैं तो आज का subject है art of aging well डॉक्टर साहब अब आप माइक आपके सामने है सर माय ओनली क्वालिफिकेशन इज मैं आपका शागिर्द रहा हूँ हमारी सब शुभकामनाएं हैं और ईश्वर की कृपा है बस क्या कहें आपने बहुत नाम कमाया है और बहुत समाज में सेवा करी है हम चाहते हैं आगे इसी तरह बढ़ते रहें चलते रहें मैं सबसे पहले तो सिसोदिया जी का और बिस्सा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के लिए और इस लेक्चर के लिए मुझे आमंत्रित किया और आदरणीय अरुण कुमार जी का आशीर्वाद बहुत पहले से मेरे ऊपर रहा है उनका आशीर्वाद आज फिर मिला इस बात की मुझे बहुत खुशी है आप सब लोगों से मुखातिब होने का ये मौका मिल रहा है मुझे कहा गया है कि कौन सा विषय लेंगे मैंने कहा जो भी विषय आप देंगे उस पर मैं बात करूंगा तो विषय आया आर्ट ऑफ एजिंग वेल हम किस तरह से हमारी एजिंग को ग्रेसफुल बनाए और किस तरह से और ज्यादा अच्छी तरह से जीवन के इस पड़ाव को जिए इस पर मैं आप सब से बातचीत करना चाहता हूं हम लोग मेडिकल टीचर्स को अंग्रेजी में बोलने का और अंग्रेजी में ही लिखने बात करने का अभ्यास रहा है इसलिए मेरी ट्रांसपेरेंसी इंग्लिश में होंगी लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाइलिंगुअल आप सब लोगों से बातचीत करूं वैसे तो इस लैंग्वेज में भी बात करूं तो ये इतना जागरूक ग्रुप है कि कोई प्रॉब्लम मुझे उम्मीद है नहीं है लेट अस सी ट्रेडिशनली ओल्डर पीपल हैव बीन रिस्पेक्टेड एंड केयर्ड इन दिस कंट्री Which is contrast to the various other Western countries. Senior most aged person have enjoyed the status of the head of the family. चाहे आप rural areas में जाएं, चाहे आप urban areas में जाएं, this has been the tradition. Head of the family had the privilege of decision making, enforcing values, and judgmental position in case of conflict in the family. मुझे लोग कहते हैं कि साहब पहले साइकियाट्रिस्ट नहीं होते थे तो प्रॉब्लम्स को कौन डील करता था कॉन्फ्लिक्ट्स को कौन रिजॉल्व करता था तो मेरा उत्तर होता है कि संयुक्त परिवार की दादी माँ जो सारे बच्चों को सबको बुलाकर अलग अलग बात करती थी सबको सुनती थी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को बड़े वाइज तरीके से रिजॉल्व कर देती थी With the disintegration of the joint families and impact of the Western culture, the picture is gradually changing. Normally, I quote our ancient literature in my lectures. My popular
quotes have been from Bhagavad Gita, which is my subject. But this is from Manusmriti. Nityabhivadan shilashya vriddhopa sevina tatha chatvari tasya vardhante ayu kirti yasho balam. One who always serves and respects the elderly is blessed with four things. Long life. Rather, the message how to live better, wisdom, fame, and power. All these words are very important. And I have seen practically from my personal life what I learned in the feet of my grandfather, who has been my ego ideal. He was a great Sanskrit scholar, a Vaidya, and an astrologist. When I passed MBBS, I informed him from Sikar, I belong to a rural area, I have been a rural Hindi medium boy, that I have passed MBBS. He told me ki tum gaon aao, tumhare liye mujhe kuch dena hai. To maine material चीज सोची, मैंने सोचा शायद अब मैं साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ जाऊंगा. मैं गांव गया, उनको प्रणाम किया. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें चरक संहिता का एक श्लोक बताता हूं, इसको अपने जीवन भर याद रखना. मैंने कहा बताइए. तो उन्होंने कहा क्वचित मैत्री, क्वचित यशम, क्वचित धनम. कहीं तो आप चिकित्सा करते हैं तो आपको मित्र अच्छे मिल जाते हैं, कहीं आपको यश मिलता है, कहीं आपको धन मिलता है, और कहीं आपको आशीर्वाद मिलता है. ये चारों चीजें ही अगर नहीं मिलती हैं तो भी आपने चिकित्सा में जो कुछ सीखा है उसको अपने रोगियों पर अप्लाई करते हो, चिकित्सा नास्ति निष्फला, चिकित्सा कभी निष्फल नहीं जाती. और ये श्लोक मैंने अपने जीवन में आजमाया. मुझे अच्छे मित्र मिले, कई बार धन नहीं मिला, फीस नहीं मिली, लेकिन वो लोग जीवन भर मेरे काम आए. कितने लोगों का आशीर्वाद मिला और कितने लोगों को आशीर्वाद के फलस्वरूप यश की प्राप्ति हुई. तो ये मैं सोचता हूं कि जो उनको प्रणाम करने का परिणाम था, ये श्लोक मुझे मिला और मैंने जीवन में अप्लाई किया. सो यू गेट लॉन्ग लाइफ, यू गेट विजडम, यू गेट फेम, एंड यू गेट पावर. एजिंग इज नॉट अ डिजीज. वृद्धावस्था कोई बीमारी नहीं है. ये अलग अलग रेट्स में होती है, अमंग द इंडिविजुअल्स एंड विद इन द इंडिविजुअल्स. अलग अलग लोगों को अलग अलग. अरुण कुमार जी कहते हैं कि मैं 21 वर्ष पहले रिटायर हो गया था, लेकिन इनके चेहरे पे एक रिंकल मुझे दिखाई नहीं देती. इनकी स्माइल बिल्कुल वैसी है और मैं इनको उतना ही यूथफुल देख रहा हूं. इन कंपैरिजन टू मेनी अदर्स हु हैव बीन ऑफ हिज एज एंड मे नॉट बी सो वेल. एंड विद इन द इंडिविजुअल, व्यक्ति अपने अंदर कैसा महसूस करता है, ये भी एक प्रोसेस है एजिंग का, जो बहुत महत्वपूर्ण है. जो मैं बाकी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने आप को म्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज बाकी लोगों तक न पहुंचे और मेरी आवाज सब तक पहुंच जाए. इट डज नॉट जनरली कॉज सिम्टम्स. एजिंग के कोई सिम्टम्स नहीं होते. एजिंग दो तरह की होती है, एक तो डिजीज में. अब आ रहा है. म्यूट भी कर लीजिए आप. एक म्यूट का बटन है, उसको भी दबा लें सर. जेटली साहब प्लीज. ओके. डिजीज वाला पार्ट जो है उसमें बहुत सारे लोगों को प्रोसेस ऑफ एजिंग में कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाती है, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिनकी मैं बाद में बात करूंगा. और एक होती है नॉन डिजीज एजिंग, बिना बीमारी वाली. और बिना बीमारी वाली भी होती है यूजुअल एजिंग. नॉन डिजीज यूजुअल. सर काइंडली म्यूट योरसेल्फ. आप अपने आप को म्यूट का बटन दबा दें. आपकी आवाज मुझे तो सुनाई नहीं पड़ रहा.
मिश्रा साहब आप फोन करें उनको। और एक है नॉन डिजीज में भी यूजुअल एजिंग या सक्सेसफुल, मना कर दो, कितना सक्सेसफुल आपकी एजिंग है ये अपने को देखना है। मैं सुशील साहब फोन कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब एक मिनट में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये सब लोग अलावा डॉक्टर साहब के अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि सबकी आवाजें आ रही हैं। प्लीज म्यूट योर सेल्फ एक्सेप्ट डॉक्टर शिव गौतम। मनीष जी सबको म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। अब आप एम आई ऑडिबल नाउ? ओके। तो हमारा एजिंग की फिजियोलॉजी को अपन देखें तो कौन कौन से हमारे सिस्टम्स हैं जो कि इससे इफेक्टेड होते हैं। हमारी त्वचा, चर्म, जिसमें रिंकल्स हो जाते हैं और बहुत जल्दी वृद्धावस्था उससे दिखाई देने लग जाती है। बॉडी कंपोजिशन, विजन, कैटरेक्ट हो जाता है। ज्यादातर लोगों को कैटरेक्ट को ऑपरेट कराना पड़ता है। कुछ लोगों को स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स प्रभावित हो जाते हैं जिसमें कि हियरिंग एड्स लगानी पड़ती हैं। मेंटल हेल्थ मैं बाद में बात करूंगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमारी मांसपेशियों का और स्केलेटल सिस्टम का, जोड़ और मांसपेशियों का सिस्टम जो है वो प्रभावित हो जाता है। किडनी प्रभावित हो जाती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट और ब्लड प्रेशर, ये कॉमन चीजें हैं जो कि फिजियोलॉजी के प्रोसेस में इनकी सबकी मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाने की वजह से ये सारे सिस्टम्स प्रभावित होते हैं नॉर्मल एजिंग फिजियोलॉजी में भी। अब आप देखिए, ये इंडिविजुअल जो जवानी की अवस्था में था और बाद में एजिंग के प्रोसेस में है, आप फर्क देख सकते हैं। कितनी पॉपुलेशन एजिंग के प्रभाव, एजिंग से प्रभावित हो रही है, ये 2015 और 2050 का डिफरेंस आप देखिए कि जो गहरा नीला रंग है वहां 30% या ज्यादा लोग एजिंग से प्रभावित हो जाएंगे। खासतौर से चीन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, उसके अलावा कुछ पार्ट यूरोप का आपको दिखाई दे रहा है। और जो लाइट येलो है जिसमें कि हिंदुस्तान भी है, 2050 तक हम लोग भी 30% एजिंग के प्रोसेस में आ जाएं, 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और एजिंग की कोई टिपिकल ओल्डर पर्सन नहीं होता। कोई आदमी अपनी मांसपेशियों को दिखाता है तो बलिष्ठ है, कोई डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा होता है, किसी के इमोशंस आप देख सकते हैं, और किसी व्यक्ति को आप अपने पत्नी के साथ खुश देख सकते हैं, किसी को एक्टिव देख सकते हैं। इट इज नॉट ए टिपिकल ओल्डर पर्सन ऑलवेज। यू आर एज ओल्ड यू फील। कैसा आप महसूस करते हैं, आस्क एनी ओल्डर पर्सन हाउ यंग दे फील, दे विल टेल यू दैट दो देयर बॉडी में बी गेटिंग ओल्डर, दे स्टिल फील लाइक ए टीनेजर इनसाइड, और वैसे ही टेनिस खेलते हैं। Throughout your life, you will be the same person inside that you are now. If you are friendly, outgoing person, you will probably be that way when you are older. If you prefer being alone now, more likely that you will like to be a loner as you age. So, ye process par depend karta hai. If you like rock music now, the chances are that you will like when you are older. What are your interests? They will continue even in the older age. So healthy aging kya hai? What is healthy aging? Healthy and active aging is a process to achieve physical, mental and social well-being throughout one's life, particularly in the later years. And what is the goal? The goal is disease and disability free life. The life should be free from disease and disability with high physical and cognitive functions. Cognitive functions are very important, and cognitive functions continue doing better, more cognitively you work.
आप जितने अपने मस्तिष्क को उपयोग में लेंगे उतनी ही मस्तिष्क की क्षमताएं कंटिन्यू करेंगी और हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्टिव रहेंगे. एक्टिव एंगेजमेंट विद लाइफ इन ओल्ड एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्दी एजिंग इज ए रियलिटी एंड इट इज नॉट ए ड्रीम. फंक्शनल कैपेसिटी लाइक वेंटिलेटर कैपेसिटी जो हमारे लंग्स की है, अभी पोस्ट कोविड पीरियड में आप ज्यादातर लोगों को मालूम है आई हैड ए वेरी सीरियस कोविड इन्फेक्शन. आई हैव लिटरली रिटर्न्ड बैक फ्रॉम द डोर ऑफ गॉड. 51 डेज इन आईसीयू एंड 3 months आई वॉज ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट एंड आई हैड ऑल पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड. अभी भी मैं एवरी डे 2 घंटे के लिए अपने लंग्स की एक्सरसाइज करता हूँ, वेंटिलेटर अपनी वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाता हूँ. सो इट इज ए इंडिकेटर ऑफ योर फंक्शनल कैपेसिटी. मसल स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर आउटपुट इंक्रीज, इट इंक्रीजेज इन चाइल्डहुड, पीक्स इन अर्ली एडल्टहुड, इवेंचुअली फॉलोड बाय डिक्लाइन रिजल्टिंग इन डिजीज एंड डिसेबिलिटी इन द ओल्ड एज. ये ग्राफ है जो कि साउंड और वीडियो कट गया. मनीष जी, सर आवाज आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब. आप वीडियो भी स्टॉप हो गया है, कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम लग रही है. मनीष सर, मनीष जी डॉक्टर साहब का कनेक्शन. मनीष जी जरा देखो, जरा मनीष जी डॉक्टर साहब का कनेक्शन शायद कुछ कनेक्शन. मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आपकी. हाँ मनीष जी देखो जरा, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया सर डॉक्टर साहब का इंटरनेट की वजह से. मैं संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ सर. हाँ कनेक्ट हो गए हैं सर वापिस. फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है सर उनका कनेक्शन. मैं उनको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ. डॉक्टर साहब कनेक्शन देखो जरा. डॉक्टर साहब वहीं से डिस्कनेक्ट हुआ है शायद. मनीष जी का सही है आपका? आप देखो. हाँ सर अपना मीटिंग सही है, आप सभी जुड़े हुए हैं और सबकी आवाज भी आ रही है, म्यूट है. और डॉक्टर साहब अभी एक बार कनेक्ट हो जाएंगे तो वापस वो रिज्यूम कर पाएंगे. फोन पर बात करके पूछ लीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है. डॉक्टर साहब की लाइट चली गई थी, लाइट आ गई है, कनेक्ट हो गए सर. नहीं लाइट नहीं, मैं लैपटॉप से जोड़ रहा हूँ सर. लैपटॉप सर आप सर होस्ट को. हाँ लाइट भी आ गई सर. आ गई लाइट. आप सर स्क्रीन शेयर की परमिशन दो सर. थैंक यू सर. स्क्रीन शेयर की परमिशन दिलवाएं सर. हाँ सर. अब तो आ गया, डॉक्टर साहब आ रहे हैं. तो रहे तो रहे. आपका स्क्रीन आ गया है सर जो आपने शेयर किया लोग सर. आ रहा है डॉक्टर साहब, आ रहे हैं आपके ट्रांसपेरेंसी. कैन यू हियर मी सर? यस 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 वी आर एबल टू हियर यू क्लियरली. यहाँ लाइट चली गई थी सर. हाँ अभी नो प्रॉब्लम, लाइट भी वापस आ गई है. और वैसे मैंने लैपटॉप से अपने आप को कनेक्ट कर लिया है. सो आई एम स्टार्टिंग अगेन. तो ये 2015 से 2050 की मैं बात कर चुका हूँ.
अब एजिंग पॉपुलेशन में अपन देखें तो ग्रेजुअली एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है और अब मैं अपनी बात पे वहां आता हूं जहां मैं पहले था, इसको भी शुरू करके मैं रेट ऑफ डिक्लाइन जो है वो नेगेटिव फैक्टर्स जो कही हैं जिनसे कि वो एक्सीलरेट होती है हमारी जो एजिंग का प्रोसेस में जो डिक्लाइन होता है वो उसमें लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, इम्प्रॉपर डाइट है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स कई हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा, ये सब डिक्लाइन करने में प्रोसेस में आते हैं। एक्टिव एजिंग के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं ये अपन देखने की कोशिश करें। तो जो हमारे बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग एंड देयर शुड बी अ बिग नो। एल्कोहल, एल्कोहल के लिए मैं तो कहता हूं कि नो इज द बेस्ट, लेकिन जो लोग ओकेजनली अनअवॉइडेबल लेते हैं उनको बिल्कुल मॉडरेशन में लेना चाहिए। मेडिकली परमिसिबल लिमिट इज 60 ml ए डे। 60 ml से ज्यादा एल्कोहल का कंजम्पशन जो है वो फिर एक्सेसिव एल्कोहल यूज में आ जाता है। मॉडरेट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए और ड्रग्स का क्या होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति दवाएं ले रहा है तो उसकी बात मैं करूंगा, लेकिन ये बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स हैं। एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स जो एजिंग के हैं उनमें पॉल्यूशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इनमें पॉल्यूशन ज्यादा है। होम सेफ्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एल्डरली पीपल, स्पेशली वो एल्डरली जो अकेले रहते हैं उनको होम सेफ्टी के बड़े इश्यूज हैं। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, रूरल और अर्बन एरिया के डिफरेंसेस हैं। रूरल पॉपुलेशन जनरली यू हैव मोर ऑक्सीजन एंड यू हैव लेस पोल्यूटेड एनवायरमेंट। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस फैमिलीज की, जॉइंट फैमिलीज की, डिसइंटीग्रेटेड एंड न्यूक्लियर फैमिलीज की, कम्युनिटी इश्यूज हैं, इनकम ग्रुप इश्यूज हैं, लिटरेसी के इश्यूज हैं। मोर द लिटरेसी बेटर इज द एजिंग, मोर सिक्योर्ड इनकम बेटर इज द एजिंग। पर्सनल फैक्टर्स में जो बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं उसकी भी मैं बात करूंगा, और हेल्थ सर्विसेज कितनी अवेलेबल है, स्पेशली प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं एक्टिव एजिंग के। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। 2001 की सेंसस में 7.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लोग थे वो 60 साल के ऊपर थे। 2030 तक ये अनुमान है कि 1 in 5 persons will be over the age of 65 and 25% people by the year 2030 will have significant psychiatric problems, that is 1 in 4। तो वो क्या प्रॉब्लम्स होंगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे, उसकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। इट इज ट्रू दैट ऑल ऑफ अस एज, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रेट एट विच वी एज कैन वेरी कंसिडरेबली। कितनी तीव्रता से हम एजिंग करते हैं ये अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग डिटरमाइन करता है। Some people remain vibrant, energetic and seemingly much younger, while others succumb to various levels of disease and illness and have a poor quality of life. तो ऐसे कौन से लोग हैं जो easily succumb करते हैं, इसकी भी अपन बातचीत करेंगे। Many aging experts project that average human lifespan, average, जिसमें 60-65 में जाने वाले भी हैं और 90+ जाने वाले भी हैं, average will not be much beyond 85 without major breakthrough in the biology of aging. अभी स्टेम सेल पर जो रिसर्च हो रही है और दूसरी रिसर्चेस हो रही है, साइंटिस्ट क्लेम दैट दे विल बी एबल टू अचीव 130 years age, बट when it will happen we do not know, whether it will happen in our lifetime or it will happen later. Lord Krishna
lived for 131 years. जो कि योगेश्वर कृष्ण थे और जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी थी, वो 131 साल जिए थे. इसके प्रमाण अभी आ रहे हैं और उनकी डेट्स भी आ गई हैं कि कब उनका जन्म हुआ और कब उनका देहांत हुआ. The goal of adding life to years rather than adding years to life is most people hope for. Socio-cultural context में अपन देखें तो there are more women than men in the older age groups. Woman is a stronger sex, it is not a weaker sex. There are several anecdotes and several examples I do not want to share here. But most women are widows. Social status and available social support for older people vary in different culture. जहां तक हम लिविंग अरेंजमेंट्स की बात करें, लिव विथ फैमिलीज इन ए मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड, दिस इज अ गुड सोशल सिचुएशन एंड देर आर मोर पीपल इन हाउस होल्ड टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द केयर. ये अभी हिंदुस्तान में हो रहा है डेस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट. लेकिन यूनाइटेड किंगडम में कन्वर्सली 25% लोग ही ज्वाइंट फैमिलीज में या अपने जनरेशन के साथ रहते हैं. 75% लोग जो हैं वो ओल्ड एज होम्स में रहते हैं, 35% लोग अकेले रहते हैं और 40% लोग विद देयर स्पाउस रहते हैं. प्रोसेस ऑफ एजिंग में क्या होता है? एक शब्द है सेनिलिटी, यानी एजिंग का प्रोसेस, डिमेंशिया एटसेट्रा एटसेट्रा, डिक्लाइन इन सेक्सुअल पावर्स, डिमिन्यूशन इन एंडोक्राइन एक्टिविटी, हमारी एंडोक्राइन्स की जो एक्टिविटी है वो डिमिनिश हो जाती है, एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाते हैं. ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम्स भी होती हैं और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है. कैटरेक्ट एंड विजुअल प्रॉब्लम्स 88% लोगों को देखी गई है हिंदुस्तान में. आर्थराइटिस एंड लोकोमोटर डिसऑर्डर्स 40% लोगों में होते हैं. कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज 18% लोगों में देखने को मिली है. प्लीज स्लो अतुल स्लो. न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स 18% लोगों में, जिसमें पार्किंसंस डिजीज भी है, डिमेंशिया भी है, वास्कुलर डिमेंशियाज भी हैं. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये 16% लोगों में. जीआईटी प्रॉब्लम्स 9% में और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स 9% में देखने को मिली है. 8% लोगों में हियरिंग लॉस देखने को मिला है. ये अपने हिंदुस्तान का सिनेरियो है जो वेरियस सर्वेज में हाल ही में देखा गया है. जो रिस्क ऑफ एजिंग है, एजिंग के प्रोसेस में चूंकि हमारी क्षमताएं कम हो जाती हैं, हमारी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है, वी आर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस, प्रोन फॉर इंजरीज. ओल्ड एज में फॉल तो होना ही नहीं चाहिए. हमें बाथरूम में जब हम कपड़े बदलते हैं तो भी सहारे के साथ या स्टूल पर बैठकर ही बदलना चाहिए. बहुत से लोगों में नीड फॉर स्पेशल असिस्टेंस होती है बिकॉज ऑफ लो लोकोमोटर एक्टिविटी. प्रोन फॉर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. एजिंग में बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं. डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स, ब्रेन में डिजनरेशन, तो रिस्क डिजीज, बीमारियों की रिस्क बढ़ जाती है, डिसेबिलिटी की रिस्क बढ़ जाती है और डेथ की भी ऑब्वियसली रिस्क बढ़ ही जाती है. हेल्थ प्रॉब्लम्स में मैं आपको ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ, जॉइंट्स की, स्पेशल सेंसेस की, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, हाइपोथर्मिया, कैंसर, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, डायबिटीज एंड एक्सीडेंटल फॉल्स, ये ओल्डर एज में ज्यादा देखने को मिलती है. इमोशनल प्रॉब्लम्स जो कि फैमिलीज के डिसइंटीग्रेशन की वजह से होती है, लोनलीनेस की वजह से होती है और बहुत सारी दूसरी चिंताएं अदर देन हेल्थ भी होती है जिसकी वजह से इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है. ओल्ड एज में ये देखा गया है कि लोगों की
स्ट्रेंथ साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है और सुइसाइडल टेंडेंसी भी देखी गई है काफी एडल्ट्स में, ओल्डर एडल्ट्स में। सेनाइल डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज और सोशल प्रॉब्लम्स जो कि पॉवर्टी की वजह से, लोनलीनेस की वजह से, दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाने की वजह से, आइसोलेशन की वजह से, एल्डर अब्यूज काफी देखा गया है। बहुत से ओल्डर पीपल हैं जिनको कि यंगर लोग अब्यूज करते हैं, उनसे जरूरत से ज्यादा काम करवाते हैं जनरेशन के। फिर मेजर मेंटल हेल्थ इश्यूज लेट लाइफ में क्या है? लेट लाइफ में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसमें डिमेंशिया, डिप्रेशन और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी हमारी ज्ञानात्मक क्षमताएं जो है वो कम हो जाती है, ये देखने को मिला है। डिप्रेशन जो है वो पार्किंसंस डिजीज के साथ भी दिखता है, एल्जाइमर्स के साथ भी दिखता है और बहुत सारी न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स के साथ भी डिप्रेशन काफी देखने को मिलता है। 65 प्लस के लोगों में जनरल पॉपुलेशन की तुलना में साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो डबल देखने को मिलते हैं, दुगनी रेट्स हो जाती है। और मेंटल डिसऑर्डर्स जो साइलेंट एपिडेमिक्स हैं, चुपचाप जिनका पता नहीं चलता, उसमें अल्जाइमर्स डिजीज, भूलने की बीमारी हो जाती है, पहले व्यक्ति नाम भूलने लगता है, दूसरों के नाम भूलता है, फिर घर वालों के नाम भूलने लग जाता है, फिर रास्ता भूलने लग जाता है और उसके बाद अपने रख रखाव के बारे में विस्मृति होने लग जाती है और बहुत सारे मेमोरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, एल्कोहल अब्यूज भी काफी एल्डर्स में देखा जाता है और 75 प्लस के लोगों में सुइसाइड रेट्स हाईएस्ट देखी गई है। मैं ज्यादा डिटेल में सुइसाइडल इन ओल्डर एडल्ट्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन 1/3 ऑफ द ओल्डर मेन सो देयर प्राइमरी केयर फिजिशियन इन द वीक बिफोर कंप्लीटिंग सुइसाइड एंड 70% विद इन ए मंथ। बाकी बहुत सारे ये माना गया है कि सीवियर मेंटल इलनेस इन ओल्डर एडल्ट्स जो है उसकी प्रोजेक्शन ये है कि काफी रैपिड ग्रोथ होने वाली है। लैक ऑफ कम्युनिटी लिविंग स्किल्स एसोसिएटेड विद नर्सिंग होम एंड हाई कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, लैक ऑफ रिहेबिलिटेटिव इंटरवेंशंस एंड हाई मेडिकल कोमोर्बिडिटी, पुअर हेल्थ केयर एंड इंक्रीज मोर्टिलिटी, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ओल्डर एडल्ट्स में ऐसा लगता है कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स ज्यादा होने की संभावना है। एजिंग पॉपुलेशन जो है उनमें ड्रामेटिक ग्रोथ है, ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है और इस पर विशेष ध्यान हमारे पॉलिसी मेकर्स को देने की आवश्यकता है। राजस्थान में 23 मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं और सिर्फ एक जयपुर का मेडिकल कॉलेज है जहां पर कि ओल्ड एज से रिलेटेड जीरियाट्रिक सर्विसेज अवेलेबल है अंडर वन रूफ, अदरवाइज रेस्ट ऑफ दी एक जोधपुर में है, बाकी मेडिकल कॉलेजेस में अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को इस पर देखने की आवश्यकता है। क्या हमारा माइंडसेट बदल रहा है? ट्रेडिशनली एल्डरली इन इंडिया हैव कम टू एक्सेप्ट द फेलिंग हेल्थ एंड डिपेंडेंसी एज ए पार्ट ऑफ देयर ओल्ड एज, डिस्चार्ज फ्रॉम मटेरियल लाइफ एंड प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी एंड लिव इन जॉइंट फैमिली। ये तो स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस जो ओल्ड एज में होती है, ज्यादातर बुजुर्गों को हम माला हाथ में लिए हुए देखते हैं और 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम जो पूजा पाठ में वो लगाते हैं वो उनको हेल्प करता है। विद द इंक्रीजिंग लाइफ स्पान ग्रेटर सोशल एंड हाउस होल्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एल्डरली इज हैपनिंग, बट इट इज ए चैलेंज फॉर इंडियन जीरियाट्रिशियंस एंड चेंज देयर माइंड सेट सो दैट दे बिगिन अडॉप्टिंग द हेल्थी लाइफ स्टाइल। अब हेल्थी लाइफ स्टाइल क्या है इसकी अपन थोड़ा सा बात करेंगे। एजिंग का जो नया विजन है जेरोंटोलॉजी, पॉजिटिव जेरोंटोलॉजी में जो कहा गया है वो है कि वी शुड हैव सक्सेसफुल एजिंग। सक्सेसफुल एजिंग के बाद होता है प्रोडक्टिव एजिंग। एजिंग के प्रोसेस में भी आदमी को प्रोडक्टिव रहना चाहिए। रोबस्ट एजिंग, कॉन्शियस एजिंग एंड वाइटल एजिंग, इसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें जहां तक हो सके हेल्दी एजिंग के जो डिटरमिनेंट्स हैं वो क्या हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए।
पॉजिटिव डिटरमिनेंट्स हेल्दी एजिंग के हैं, ज्वाइंट फैमिली, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लोगों का काम में, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो, डाइट में वेजिटेरियनिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी एंड रिलैक्सेशन, ये तो पॉजिटिव एजिंग के फैक्टर्स हैं। नेगेटिव एजिंग में पॉवर्टी एंड अब्यूज, एल्डरली अब्यूज होता है जहां पर बुजुर्गों से जरूरत से ज्यादा काम लिया जाता है, इलिटरेसी, डबल बर्डन, इनसैनिटेशन, सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है और केयर एक्सेसिबल नहीं है, ये नेगेटिव फैक्टर्स हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मॉडिफाइबल हैं, जो हमारे अलग अलग बीमारियां हैं उनमें अगर हम अपनी, जब उदाहरण के तौर पर कार्डियोवास्कुलर बीमारियां हैं वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल से होती है, ओबेसिटी की वजह से होती है, हाई लिपिड्स की वजह से होती है, ज्यादा ब्लड प्रेशर, सॉल्ट, डाइट, स्मोकिंग, पोल्यूशन, तो अगर हम इन सारी चीजों को मॉडिफाई कर सकें तो ये मेरे पास पूरी लिस्ट है कि कौन सी बीमारी में किन फैक्टर्स को, रिस्क फैक्टर्स को हम मॉडिफाई करें जिससे कि हम बीमारी से बच सकते हैं। तो लाइफस्टाइल गोल्स की अगर अपन समरी लें तो फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी डाइट, अवॉइडिंग स्मोकिंग, जुडिशियस मेडिकेशन, बीमारियां बहुत होती हैं तो मेडिकेशन भी जुडिशियस होना चाहिए, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर अगर साथ में है या एंडोक्राइनल डिसऑर्डर साथ में, पार्किंसोनिज्म साथ में, तो कौन कौन सी दवाओं के कॉम्बिनेशन को हमें लेना चाहिए वो आपके जीरियाट्रिक फिजिशियन को जुडिशियसली डिसाइड करना पड़ेगा। ओरल हाइजीन अच्छी रखनी चाहिए, समय समय पर हेल्थ स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ गौतम हॉस्पिटल में ये शुरू किया है कि सिर्फ मेंटल हेल्थ का नहीं बल्कि पूरी जनरल हेल्थ का बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप एंड अवेयरनेस कैंप हम लगाते हैं वंस इन 6 मंथ्स। इस तरह के 16 कैंप पिछले 8 सालों में हम लगा चुके हैं और हम एनकरेज करते हैं एल्डरली लोगों को कि वो अपना ECG, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, आई चेकअप, ऑर्थोपेडिक चेकअप, ये सब अंडर वन रूफ हम प्रोवाइड करते हैं। दे आर फ्री कैंप्स फॉर द कम्युनिटी, वो स्क्रीनिंग पीरियोडिकली होती रहनी चाहिए। उसके साथ साथ हम मेमोरी असेसमेंट भी करते हैं, डिमेंशिया के लिए भी चेक करते हैं, डिप्रेशन के लिए भी चेक करते हैं। फिर बुजुर्गों का सोशल इन्वॉल्वमेंट होता रहना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज, चाहे वो भजन कीर्तन में हो, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो क्लब्स में हो, चाहे वो किसी तरह की सोशल इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यूटी रहना चाहिए। मेंटली दे शुड रिमेन एक्टिव, पीरियोडिकल इम्यूनाइजेशन उनका होता रहना चाहिए, खासतौर से जो इन्फ्लुएंजा के लिए और दूसरी बीमारियों के लिए जैसा भी फिजिशियन एडवाइस करें। और जो लोगों का, महिलाओं का जिनका यूट्रस निकाल दिया गया है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हैं, वो उनका ध्यान रखें, क्लीन एनवायरनमेंट और होम सेफ्टी, ये लाइफस्टाइल गोल्स हमारी हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं और सोशल बेनिफिट्स हैं। एरोबिक एक्टिविटीज हो सकती है, रेजिस्टेंस एंड बैलेंस एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, योगिक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज रिलेटेड टू वर्क, रिक्रिएशन, हाउसहोल्ड एंड सोशल इंटरेक्शन। ये कहा गया है कि ब्रिस्क वॉक फॉर 20 to 60 minutes फॉर 3 to 5 days a week, यानी 4 किलोमीटर प्रतिदिन अगर आप हफ्ते में 5 दिन चलते हैं ब्रिस्क वॉक, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मॉर्निंग वॉक बेटर देन इवनिंग वॉक बिकॉज इन द मॉर्निंग यू गेट फ्रेश ऑक्सीजन एंड योर होल बॉडी इज फ्रेश। इवनिंग वॉक्स में खाली लेग्स पर इफेक्ट होता है, मॉर्निंग वॉक इज ऑलवेज बेटर। ओल्डर पीपल शुड स्टॉप एक्सरसाइजिंग एंड रेस्ट, ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। एजिंग इज ए स्टेट ऑफ क्रोनिक एक्सरसाइज डेफिशिएंसी, लोग काम करना, हिलना डुलना बंद कर देते हैं, अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, वो एटीट्यूड खत्म होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फैट कम होता है, बोन ऑक्सीजन, मसल स्ट्रेंथ, ग्लूकोज टॉलरेंस, इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं और कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं
जो कि 65 प्लस में भी कंटिन्यू करना चाहिए, जिससे वेट लॉस होता है, ब्लड प्रेशर का डिक्लाइन होता है, आपके एरोबिक लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। मैंने कहा मैं भी अब 70 का होने वाला हूं, प्रतिदिन 2 घंटे अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और स्वयं अकेला फिजिकल एक्टिविटी प्रतिदिन करता हूं, स्पेशली द पोस्ट कोविड एक्टिविटीज एंड लंग एक्सपेंशन एक्टिविटीज। उसके बाद बहुत सारे फायदे हैं, बोन मास में, मसल स्ट्रेंथ में, वेलबींग में, सब में उसका फायदा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ओल्ड एज में अगर कम हो जाता है तो सीवियरिटी ऑफ डिजीज बढ़ जाती है, इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ फिजिकल लिमिटेशंस ड्यू टू डिक्रीज्ड मस्कुलेचर, डिक्रीजेस फंक्शनल स्टेटस, कैन इंक्रीज ड्रग इफेक्ट ड्यू टू चेंज्ड मेटाबॉलिज्म एंड वेट लॉस। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ओल्डर एडल्ट्स। ओल्डर एडल्ट्स में डिजीज कम होती है फिजिकल लिमिटेशंस की वजह से भी, आपको क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनएबिलिटी टू चू एंड पुअर ओरल हेल्थ, उसकी वजह से न्यूट्रिशन लोगों का कम हो जाता है। सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन एंड लो इनकम की वजह से न्यूट्रिशन कमजोर हो जाता है, खाने का मन ही नहीं करता। इम्पेयर्ड फंक्शनल स्टेटस, एल्कोहल यूज एंड अब्यूज एंड ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शंस, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ओल्डर पीपल में न्यूट्रिशन को इफेक्ट करते हैं। इसलिए हमें कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। आपका अगर 60 किलो वजन है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। एम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। ऑप्टिमल कैल्शियम इंटेक, क्योंकि आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना एक आम बात है इस एज में। होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिएंट डेंसिटी फाइबर वाले प्रोडक्ट्स खाएं, और एम्पल फ्लूइड्स एंड स्पेशली वाटर। 4 लीटर पानी प्रतिदिन अगर आप पीते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हेल्दी डाइट में क्या होना चाहिए, लो फैट, लो सॉल्ट, एडिक्वेट लिक्विड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड हाई फाइबर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मेक देम फ्रेश, देयर फूड विद गुड फ्लेवर, स्मेल, कलर, यूटेंसिल्स एंड एनवायरमेंट। भगवत गीता का अगर 17वां चैप्टर आप पढ़ें तो कृष्ण भगवान ने डाइट पर पूरा उल्लेख किया उसका। कम से कम भी 8-10 श्लोक ऐसे हैं भगवत गीता के 17वें अध्याय में जो कि सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन पर उन्होंने किए हैं, उल्लेख किया है। और उसमें सात्विक भोजन क्या है, राजसिक भोजन क्या है, तामसिक भोजन क्या है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सात्विक भोजन की तरफ जाने के लिए उन्होंने कहा है। आप सब लोग अगर समय मिले तो 17वां चैप्टर भगवत गीता का पढ़िएगा। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 3 घंटे से ज्यादा ठंडा भोजन आपको करना ही नहीं है। भोजन पकने के बाद 3 घंटे के अंदर अंदर आपको खा लेना चाहिए। आजकल जो फ्रिज में भोजन रख देने की परंपरा है और उसको अपन दोबारा खाते हैं, कृष्ण भगवान के टाइम में 5,500 वर्ष पहले से लेकर आज तक ये एक ही फिलोसफी चली आ रही है। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, नो ओवर ईटिंग। आपकी अगर 2 फुलके की भूख है तो डेढ़ ही खाइए। फूड लेफ्ट ऑन द टेबल डज मोर गुड देन व्हाट हैज बीन टेकन इनसाइड। आप भोजन को जो है उतना ही लीजिए, आपका पेट भरने वाला है उस समय आप उसको स्टॉप कर दीजिए। स्मोकिंग एंड एक्सेस ऑफ अल्कोहल, एक बहुत बड़ा क्रॉस मैं लगा देता हूं और उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। मेडिकेशन जुडिशियसली कैसे लेना चाहिए, अगर दूसरी बीमारियां साथ हैं तो कैसे डुप्लीकेशन अवॉइड करें, अननेसेसरी मेडिकेशन कैसे कम करें, उसका हमें ध्यान रखना है। पर्सनल क्लीनलीनेस एंड ओरल हाइजीन, इसका ध्यान रखें। बावल मूवमेंट्स एंड साउंड स्लीप का ध्यान रखें। अवॉइड डस्ट एंड पॉल्यूशन। होम एंड रोड सेफ्टी, खासतौर से रोड क्रॉस करते समय बहुत सारे एक्सीडेंट्स ओल्डर पीपल के होते हैं। स्पेसिफिक टास्क जैसे स्क्रीनिंग, HRT, इम्यूनाइजेशन, एंगेजमेंट विद लाइफ इज ए मस्ट, और एंड हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एजिंग प्रोसेस। सक्सेसफुल एजिंग में लो रिस्क ऑफ डिजीज एंड डिजीज रिलेटेड डिसेबिलिटी, हाई मेंटल एंड फिजिकल फंक्शन एंड एक्टिव एंगेजमेंट विद लाइफ, ये 3 चीजें सक्सेसफुल एजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिव एजिंग क्या है, सक्सेसफुल के बाद दूसरा स्टेप।
Productive activities are any activity which produce a good or service, whether paid or not. So even in old age, people who are fit, they can volunteer in or have civic engagement. Caregiving and grandparenting is very important. हमारे परंपरा में दादी माँ की कहानियां, नानी की कहानियां और ये सब चीजें रही हैं. वो ग्रैंड पेरेंटिंग में शामिल है, दैट इज इमोशनल पेरेंटिंग. वर्किंग रेगुलर एंड इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, बट कीप योर सेल्फ प्रोडक्टिव. वर्क फॉर इंक्लूजन, वर्क टू इंक्लूड केयर गिविंग, वर्क फॉर इनोवेशन. आपके पास इतनी बुद्धि है, इतनी क्षमता है, इनोवेटिव एक्टिविटीज में भी, सोशल इनोवेशन भी कर सकते हैं. ये प्रोडक्टिव एजिंग का प्रोसेस है. वर्क टू ट्रांसफॉर्म इंस्टीट्यूशंस. आपका इतना अनुभव है, उसके आधार पर इंस्टीट्यूशंस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म केयर वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन प्रॉफिट सेक्टर है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बिजनेस कॉरपोरेशंस हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं. इन सब के लिए 65 प्लस के लोगों की बहुत अहमियत है और बहुत से इंस्टीट्यूशंस में मैंने देखा है कि इनका बहुत यूटिलिटी हो रही है. अब मैं आपको कैसे हमें अपना जीवन बिताना चाहिए, ये मैंने जो इजाद किया है 24 घंटे का एक डेली, हाउ शुड वी स्पेंड अ डे. दिस इज फ्रॉम नॉट फ्रॉम एनी बुक, बट इट इज फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ. हमें 24 घंटे भगवान ने दिए हैं जो सबके लिए बराबर है. 24 आवर्स में 7 घंटे अच्छी नींद के लिए होनी चाहिए एल्डर पीपल के लिए, 7 आवर्स. प्रोफेशनल वर्क वेज अर्निंग के 8 घंटे जो पहले आपके होते थे, वो प्रोडक्टिव अर्निंग के, प्रोडक्टिव एजिंग के जो प्रोसेस मैंने बताए उसमें आप 8 घंटे लगाएं, और बचे हुए 9 घंटे में से 3 घंटे डेली योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, हाइजीन एंड हॉबी ऑफ योर चॉइस. दूसरे 3 घंटे सोल के लिए, अपनी आत्मा की खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, स्माइल के लिए, और सेल्फलेस सर्विस के लिए आप बिताएं, और बचे हुए 3 घंटे विद फैमिली, शेयरिंग एंड ऑफ लाफ्टर. मैं अक्सर ये एडवाइस करता हूं कि यू शुड हैव 1 मील टुगेदर द होल फैमिली. होल फैमिली शुड हैव एटलीस्ट 1 मील टुगेदर with laughter and interactions on the dining table. Spend time with friends and spend time for your faith, prayer, meditation and reflection. ये 3 घंटे, ये जो आपका total 24 hours का balance है, ये अगर आप maintain करते हैं तो I am sure you are going to have a productive and robust aging. Then tips to stress management. अगर स्ट्रेस में कोई व्यक्ति है तो वो क्या करे. पहली चीज, टॉक अबाउट इट. दूसरी चीज, टाइम बजटिंग. मैं टाइम मैनेजमेंट शब्द का फेवर नहीं करता क्योंकि टाइम सेल्फ मैनेज्ड है. सूर्य भगवान समय पे उठते हैं और समय पे अस्त होते हैं. हर आदमी को 24 घंटे मिलते हैं, आप क्या टाइम मैनेजमेंट करेंगे. यू हैव टू बजट योर टाइम लाइक यू बजट योर सैलरी, यू बजट योर इकोनॉमी. सिमिलरली टाइम हैज टू बी बजटेड. लर्न टू प्रायोरिटाइज योर एक्टिविटीज. आपको क्या पहले करना है उसकी लिस्ट बना के प्रायोरिटीज को पहले करें. बी फ्लेक्सिबल. जो लोग रिजिड होते हैं वो खुद भी स्ट्रेस्ड रहते हैं, दूसरों को भी अंडर स्ट्रेस रखते हैं. रिक्रिएशन एंड प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. लाफ एंड मेक अदर्स लाफ. ये एक स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटी है. प्रॉपर फूड हैबिट्स, डाइट की मैं बात कर चुका हूँ. एडिक्वेट स्लीप, 7 घंटे की मैं बात कर चुका हूँ. मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, आप सब माहिर हैं. फोर्टिफाई योर इनर स्ट्रेंथ विद योग एंड मेडिटेशन एंड बी रिलैक्स्ड. ये कुछ टिप्स हैं. लोग कहते हैं व्हाट इज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. इट इज की टू मेंटल हेल्थ. 4 आर बताए गए हैं. पहला है रिचेस. क्या धनाढ्य होने से व्यक्ति हैप्पी हो जाता है? आंसर इज नो. मोस्ट ऑफ यू हैव सीन that richness does not give you happiness. Recognition, कुछ समय के लिए transient happiness मिलती है जब medal मिलता है, पुरस्कार मिलता है, recognition मिलता है,
But after some time, people forget the fame is fleeting. Recreation by drugs and alcohol in the evening parties, no. What is required is readjustment of attitudes. Have positive attitudes to life. Daily life ke instrumental activities, every day, apne ko kya karna chahiye? Ye bada important hai. Grocery shopping, meal preparation, driving, taking medication, laundry, using telephone, managing finances, housework. Ye sare elderlies ko last tak karte rehna chahiye. Ultimate goal of the life is maximize functional ability. Aapki functional ability maximum honi chahiye. Investing in healthy aging means creating a future that gives older people the freedom to live lives and previous generations could never have imagined. Iske saath main apni baat khatam karta hu. Maine koshish ki hai ki aging ke jitne bhi factors hain unko sabko aaj ke lecture mein encompass karu. फिर भी हो सकता है कुछ रह गए हूं तो आपके प्रश्नों के लिए मैं बैठा हूं. धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर तरीके से बता दिया क्या समस्याएं होती हैं और किस तरह से उनको दूर किया जा सकता है. तो लोगों के अवश्य कुछ ना कुछ प्रश्न होंगे, पूछ सकते हैं. डॉक्टर साहब, एक मैं कुछ कहना चाहता हूँ. Yes, yes, sir. आपने हालांकि उसको बहुत ब्रॉडली कवर तो कर लिया, मगर मैं समझता हूँ कि समय जब बहुत हो जाता है रिटायरमेंट के बाद, लोगों का समय कटता नहीं है, तो हॉबीज होना बहुत जरूरी है. हालांकि आपने मेंशन किया था है, मगर मैं समझता हूँ उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है. अगर आप दो तीन हॉबीज हैं, खासतौर से आउटडोर की हॉबीज हैं, जैसे गार्डनिंग है या म्यूजिक ही सुनना है या पेंटिंग करना है या इवन घर की मेंटेनेंस है, इस तरह के कुछ आप अपनी एक्टिविटी में लगे रहते हैं तो आपका दिमाग भी डाइवर्ट रहता है, फिजिकल एक्टिविटी भी होती जाती है, समय भी कट जाता है. तो मेरे ख्याल से हर आदमी को कुछ ना कुछ हॉबीज शुरू से कल्टिवेट करनी चाहिए ताकि रिटायरमेंट के वक्त वो उनको परसू कर सके और अपना समय सही तरह से बिता सके. फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, मेंटल एक्टिविटी भी हो जाती है, सब प्रकार की एक्टिविटी उसमें हो जाती है. तो हॉबीज के मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है. सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने 50 गमले लगाकर अपना टेरेस गार्डन शुरू किया था. अभी मेरे पास 200+ प्लांट्स ऑन माय टेरेस एंड आई लुक आफ्टर माई सेल्फ. बहुत अच्छी बात. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी हॉबी है. बहुत से लोग बहुत अच्छे कुक बन सकते हैं, बहुत से लोग राइटिंग करते हैं, इवन इन ओल्ड दे कीप राइटिंग. बहुत से लोग पेंटिंग करते हैं. एनी क्रिएटिव एक्टिविटी एंड एनी क्रिएटिव हॉबी इज ए बून इन द प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड आई फुली एग्री विथ. यही बना सकता हूँ. यस सर, आपने गार्डन का मेंशन किया तो मैं भी मेंशन कर दूं कि मेरे पास भी अच्छा खासा गार्डन है, मगर मेरे पास कुछ बहुत रेयर प्लांट्स हैं, जो शायद राजस्थान में या जयपुर में कोई और नहीं ग्रो कर रहा होगा. मैं कभी आप आइएगा तो आपको दिखाएंगे. फोन करके मिलने आऊंगा सर. आप दोनों की हैप्पीनेस का एक कॉमन रीजन गार्डनिंग लगता है. मैंने कहा कि जितना आप नेचर के पास रहते हैं उतना आप सुखी भी रहते हैं. सही बात. एक छोटा सा एक मेरा प्लांट है जो जिसकी डाली लग जाती है, उसको मैंने गमले में लगाया और उसकी कॉम्पल जड़ें अंदर चल गई और उसकी कॉम्पल निकलते हुए मैं रोज देखता हूँ और कितनी बड़ी वो हो गई और अब वो पौधा कैसे ग्रो करता है, जो फूल रोज खिलते हैं एंड द प्लेजर यू गेट आउट ऑफ इट. It gives you inner happiness. उसका आनंद अलग है. डॉक्टर साहब, ये आपसे डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि छत पर कुछ प्लांट्स हों, लेकिन धूप इतनी तेज रहती है जयपुर में, आप कैसे मैनेज करते हैं? सर, आप गर्मी में रोज पानी दीजिए और सर्दी में ऑल्टरनेट डेज दीजिए और कुछ खाद और पानी तो मिलता ही रहना चाहिए, चाहे आदमी हो चाहे पेड़ पौधे हो.
आदमी की खाद और बीज इमोशंस हैं और प्लांट्स के लिए खाद और बीज जो है वो मटेरियल है, बट प्लांट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड इमोशंस. इफ यू रियली लुक आफ्टर देम विद प्लेजर द ग्रोथ इज ऑलवेज बेटर. ये तो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है. एक एक डॉक्टर साहब लोग ये भी कहते हैं जो कि जरा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्पेशली इन आवर एज, दैट इज टू हैव पेट्स. यू हैव अ नाइस डॉग और अ कैट और इवन अ पैरेट, बट हम लोग चूंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम तो है नहीं इसलिए उसको रखना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है. सर वेस्टर्न कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, बट आई हैव सीन मेनी वेस्टर्न पीपल गोइंग इनटू डिप्रेशन when the pet is lost or the pet is no more, because kyunki uski to life hoti hai wo 8 se 10 saal hoti hai pet animal zyada tar jo kutte billi jo palte hain aur uske baad wo unko jo emotional upheaval hota hai loss of pet ke baad depression ki itni zabardast incidence hai ki apan log theek hain apan gaay palte hain which is a pet. And who lives, which lives longer? सही बात है, ये भी सही बात है, क्योंकि किसी पेट के जाने पर आदमी को बहुत दुख होता है. सर वो इतना जबरदस्त ग्रीफ रिएक्शन होता है जो आपके स्पाउस पे जाने का होता है वैसा ही पेट के जाने का. जी अगर फैमिली मेंबर हो जाता है. यस सर. दिस इज माय ग्रैंडडॉटर. Who has joined the webinar? She studies in class 5 and she was very interested in attending the webinar of Nanu. I wish we also had the privilege of having our grandchildren with us. हम तो फोन पे ही देख के उनको मस्त रहते हैं. She lives only 300 to 400 meters away from us. And she's so attached with the grandparents. तो मैं इसको देख रहा हूँ अभी भी, ये पूरी वेबिनार सुनी है इसने आज. कैसा लगा बेटा? अनम्यूट करके बताओ. नवदा कैसा लगा तुम्हें? अच्छा. समझ में आई बात? मम्मा की तरफ क्यों देख रही हो? इनके लिए अभी समय नहीं है. यस सर. सर मैं कुछ पूछ सकता हूँ? यस सर. देखते हैं, तिवारी निवेदन कर रहा हूँ सर मैं. नमस्कार सर. नमस्ते डॉक्टर साहब. सर कैन आई आस्क सम? प्लीज प्लीज. डॉक्टर साहब तो बधाई, आपने बहुत थोड़े समय में और संक्षेप में सारे आयाम जो हेल्दी एजिंग के सारे आयाम को आपने कवर किया है. मतलब ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन, इसलिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कुछ चीज आपसे बताता हूँ एजिंग के बोलते. यस सर. एक न्यूरोप्लास्टिसिटी. यस सर. आपसे जिक्र हो रहा है. हाँ. और मैंने कहीं पता नहीं गलत पढ़ा सही पढ़ा आई डोंट नो, कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा प्रोसेस है विच कैन इवन रिवर्स एजिंग. दिस इज इट कैन इवन रिवर्स. यू आर राइट सर. एजिंग. और दूसरा कि इसमें कुछ ऐसा अध्ययन हुआ था जहां पर कि या तो आप क्रिएटिव एक्टिविटीज डिफरेंट जब आपने बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया है, लेकिन योग और मेडिटेशन खास तौर से जिसमें आपका जो जो माइंडफुलनेस जैसे विपश्यना माइंडफुलनेस जो मेडिटेशन है, यह न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करता है. एंड टू द एक्सटेंट दैट इट कैन utilize the process and effect of the aging. I don't know how far it is. तो आप थोड़ा सा इसमें बताएंगे कि neuroplasticity क्या है और aging से क्या इसका? सर neuroplasticity जो है, can you hear me sir? Can you hear me sir? हाँ सुनाइए. Yes sir, I can hear. हाँ. Neuroplasticity जो आपके brain के neurons हैं. जी. उनकी जो वॉल्स है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है. जी. दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. इफ यू हैव मोर बेटर न्यूरोप्लास्टिसिटी यू डोंट हैव डिप्रेशन.
और इस डिप्रेशन की स्टडीज में देखा गया है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी इज लेस और कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन के इफेक्ट को भी देखा गया है जिसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी इज इंक्रीज बाय द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन बट द फिजिकल एक्टिविटी फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज इंक्रीजेस न्यूरोप्लास्टिसिटी मेडिटेशन इंक्रीजेस न्यूरोप्लास्टिसिटी मेंटल एक्टिविटी विच इज क्रिएटिव एक्टिविटी जैसे आप पजल सॉल्व करते हैं आप ब्रेन एक्सरसाइजेस करते हैं दैट इंक्रीजेस न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड इट रिवर्सेस एजिंग एंड इट प्रिवेंट्स एल्जाइमर्स डिजीज एल्जाइमर्स डिजीज में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी लॉस हो जाता है तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक आप लाए हैं सिंस इट वॉज ए हार्ड कोर मेडिकल सब्जेक्ट इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बहुत अध्ययन हो रहा है स्किन की एजिंग पर बहुत अध्ययन हो रहा है रिंकल फ्री स्किन का खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा इसका प्रचलन है दे गो टू ब्यूटिशियंस इवन दे हैव ओल्डर लेडीज दे डू नॉट वांट टू हैव रिंकल्स ऑन देयर फेस इस पर अध्ययन चल रहा है और इसके अलावा रिवर्सिंग द प्रोसेस ऑफ एजिंग इस पर भी अध्ययन चल रहा है लेकिन ये सब साइंटिफिक एडवांसमेंट की बातें हैं इसलिए मैंने इस पर ज्यादा मैंने वो सारी चीजें बताई हैं जो कि वेल प्रूव्ड चीज हैं आप अगर मेरा स्लाइड है ना 7-8 एक ये जो मैंने आपको डे का रूटीन बताया 7-8-9 वाला जो बताया है इसको आप ध्यान से देखें मैं उस पर आ रहा हूं स्लाइड पर इसमें देखिए आप इसमें जो 24 आवर्स आप स्पेंड करते हैं उसमें से लास्ट के 6 आवर्स हैं सोल एंड हैप्पीनेस स्माइल थिंग्स विच मेक यू प्लीज्ड एंड लव सेल्फलेस सर्विस ऑफ एनी काइंड द प्लेजर ऑफ गिविंग वेदर इट इज फाइनेंशियल वेदर इट इज इमोशनल सपोर्ट whether it is sitting with somebody and giving good words, whatever it is. Then with sharing with the family, with emotional interaction. Spend some time with friends every day. एक घंटा मैंने दिया है लेकिन not necessary 1 hour, कभी 30 minutes हो जाता है कभी 1.5 घंटा हो जाता है हमारे बैच के 68 के जो लोग हैं 68 में जो एडमिट हुए थे मेडिकल कॉलेज में we have planned 3 days together. In Chandigarh and Himachal on 14th, 15th and 16th of November. और उससे की अभी से तैयारी चल रही है हमारा 15, 16, 18 लोगों का एक कोर ग्रुप है जो पीरियोडिकली 3 महीने में एक बार तो मिलता ही यू नो क्रिएटिंग ए ग्रुप ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड्स एंड शेयरिंग ये सब चीजें जो मैंने आपको 6 घंटे बताए हैं ये व्हाइट कॉलम में और ग्रे कॉलम में नीचे वाले में ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज करने के प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है एक चीज एंकर और साथ जाऊंगा यस सर मैं कुछ कहूं क्या यस सर स्पीक नमस्कार साहब हां सर साहब बोलिए मेरा नाम यूएम सहाय है यस मैं कुछ क्वेश्चन तो नहीं है एक ऑब्जर्वेशन है मेरा वो भी लाइटर में आपसे शेयर करना चाहता हूं यस सर आपने अपने प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया दिया और शुरू में ही एक चीज कही थी कि जो सीनियर मोस्ट एजेड पर्सन हैं दे यूज टू एंजॉय द बीइंग हेड ऑफ द फैमिली लेकिन आजकल ये चेंज हो रहा है अपने आरजीएचएस में भी जो रजिस्ट्रेशन होता है जन आधार कार्ड जो भरते हैं उसमें महिला को लेडी ऑफ द फैमिली हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द फैमिली वो हेड ऑफ द फैमिली उनको मुखिया बनाया गया है पहले जब बड़े बुजुर्ग बाहर से आते थे घर में तो बच्चे या महिलाएं वो जो घर में रहती थी खेल वो अंदर चली जाती थी और वो अपने बैठे में बैठ के काम करते थे लेकिन आजकल उल्टा हो गया है जैसे ही कोई बुजुर्ग वगैरह आते हैं या कोई जेंट एंटर करता है और लेडीज घर में कोई किटी पार्टी चल रही होती तो वो अंदर जाके टीवी वो भी धीरे आवाज में सुनता है तो ये चेंजेस तो आए हैं सर चेंजेस तो समाज में आएंगे जी पहली चीज तो मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता आई डोंट माइंड माई वाइफ गेटिंग द रिस्पेक्ट नो प्रॉब्लम
No problem. Yes, of course. No problem. So I think we should not discriminate as long as the elderly is your wife. कोई दिक्कत नहीं है सर. और दूसरी चीज, आपका स्टेटस उसमें कम होता ही नहीं. जन आधार कार्ड में महिला को उन्होंने प्राथमिकता दी है तो कुछ सोच समझ के दिए, मैं ऐसा मानता हूँ. सर एक बात बताओ, अगर घर की महिला खुश है तो आप ज्यादा खुश रहे. बिल्कुल खुशी तो झलक रही है, मैं तो उसे विस-विस कंपेयर कर रहा हूँ. जरूर सर. मेरी आवाज आ रही है? यस सर. और कोई? आप घूंघट हटाइए सर. वीडियो ऑन कीजिए. नहीं, वो वीडियो मेरा पता नहीं क्यों चलते चलते बंद हो गया. चल रहा है और वो बंद हो गया. सर एक सुझाव अर्ज कर रहा था सर, आपकी इजाजत हो तो. हाँ फरमाए. यस सर, मैं नरहरि शर्मा अर्ज कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं पहचान रहे हैं. सब पहचान. भाई साहब प्रणाम. डॉक्टर शिव गौतम जी मेरे अनुज हैं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, और चेयरमैन सर हमारे अरुण कुमार सर विराज रहे हैं. सर मेरा एक सुझाव है, जैसे महात्मा गांधी का ये हर ट्यूसडे को जो प्रोग्राम होता है, श्रीमान तो उसमें कभी कभार पधारते हैं, जब वो क्लोज होता है तो वैष्णव जन से करते हैं बिरसा जी उसको कंक्लूड. तो इस तरह के जो सेशंस हैं, जो आज डॉक्टर शिव गौतम जी ने आज एड्रेस किया है, दूसरे भी होते हैं, बड़े गजब के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसको हम कोई एक गाने से कंक्लूड करें सर. बढ़िया गाना हो, प्रफुल्ल चित्त हो जाए हम. हमारे तो आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट हैं, एमएम जोशी साहब हैं और दूसरे हैं, किन किन के नाम गिनाऊंगा, जीके तिवारी जी भी हैं और श्रीमान खुद उसके लीडर हैं म्यूजिक के. तो कोई एक गाना होना चाहिए लास्ट में. आज आप ही प्रेजेंट कर दीजिए एक गीत. अच्छा आपकी इजाजत है तो मैं एक लाइन तरन्नुम में गाता हूँ, उसको आपको बढ़ाना होगा आगे. यस सर. अरे क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, अरे क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, दिल की बात गले में नहीं आए. क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, दिल की बात गले में नहीं आए.